सिवनी जिले में एक बार फिर आदिवासी इलाके में सरकारी स्कूल की बदहाल तस्वीरें सामने आई हैं। आदिवासी ब्लॉक घनसौर में रोटो गांव में यहां अगर देखा जाए तो प्राइमरी और मिडिल स्कूल संचालित होता है। जिस भवन में स्कूल संचालित होता है जर्जर हो चुका है। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। दरअसल गांव के मिडिल स्कूल स्वीकृत होने के बाद भी मिडिल स्कूल का भवन नहीं बन पाया, इसलिए प्राइमरी स्कूल के भवन में ही मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल एक साथ संचालित किए जाते हैं। प्राइमरी स्कूल के अगर देखा जाए तो दीवारों पर जिस तरीके से जर्जर अब स्थिति निर्मित हो रही है, उससे सहज समझा जा सकता है कि यहाँ स्कूली विद्यार्थी कितने सुरक्षित हैं। देश का भविष्य इन्हीं जर्जर इमारतों के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर बना हुआ है। सुरक्षा की यहाँ कोई भी पुख्ता इंतजाम दिखाई नहीं देते और ना ही उनके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है। बल्लियों के सहारे ही स्कूल भवन को बचाने की कोशिश की जा रही है। बारिश में तो हालात और ज़्यादा खराब हो जाते हैं, सारे जगह कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। विभाग के आला अधिकारी जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं देते और स्कूल के विद्यार्थियों के अंदर भय व्याप्त हो गया है। वहाँ पे एक अतिरिक्त स्वीकृत कर दिया गया है और उसका निर्माण कार्य भी चालू है, क्योंकि अभी बरसात के समय में और इसमें जो है अभी फसल वगैरह लगी, इसलिए आवागमन का साधन वहाँ पर उचित नहीं है। इस कारण से भी काम रुका हुआ है। जैसे ही फसल कटती है तो आगे आना जाना चालू हो जाएगा और काम जो है करा दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसे में कुछ होता है, बल्ली अगर खिसक जाए, कुछ हो जाए, बच्चे वहाँ बैठते हैं नीचे, क्या क्या जिम्मेदार कौन होगा इसका? देखिए वहाँ पर तो ये बात सही है, रिस्क तो है उधर पर, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हालांकि हम देखिए देखते हैं, उसको देखवाते हैं, तो बच्चों किसी अन्य कक्ष में बैठलवाएंगे वहाँ में। प्राइमरी स्कूल में ही, प्राइमरी स्कूल के भवन में ही प्राइमरी और माध्यमिक दोनों शालाएँ संचालित होती हैं। लेकिन आपके स्कूल पे जो मैंने अभी देखा कि बल्ली लगी हुई है और बल्ली के सहारे बीम को टिकाए रखे हैं आप लोगों ने, वो दरअसल क्या है, लेंटर कमजोर है इसका और वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित पत्र के माध्यम से सूचित भी हम लोग कर चुके हैं। अब शासन और उच्चाधिकारियों से हमारी यही अपेक्षा है और एक निवेदन है हाथ जोड़कर कि बच्चों के हिसाब से, बच्चों के भविष्य को देखते हुए यदि हमें बिल्डिंग मिल जाए, नए भवन की स्वीकृति मिल जाए, तो हम बगैर किसी भय के यहाँ पे शाला संचालित कर पाएंगे। बच्चों को बिठाने की तकलीफ तो अभी पूरी तकलीफ ही है। स्कूल हमारे पास जो पुराना है ये डिसमेंटल योग्य है, क्योंकि हमने वरिष्ठ अधिकारियों से इसको अवगत करा दिया है पहले पत्राचार के माध्यम से कि स्कूल जर्जर हालात में। लेकिन आपने वो कहते हैं कि जुगाड़ करके आपने बल्ली बीम में लगाई है। नहीं, वो एहतियातन हमने सोचा है कि कभी इसकी छप्पर अप्पर में कमजोरी टाइप की नज़र आ रही थी, तो हमने कहा कुछ एहतियातन इसमें सेफ्टी बनी रह करके लगा दी है, वैसे उसकी आवश्यकता थी नहीं। सर सड़क भी नहीं है आपके स्कूल पर? जी नहीं, यहाँ सड़क मार्ग हमारा स्कूल पहुँच विहीन है। अभी अभी स्कूल से एक फल्लांग करीब दूर तक सड़क आ गई। देखिए कल शाम को मीडिया के माध्यम से तथ्य संज्ञान में आया था कि हमारी जो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल है घनसौर के केंद्रीय में एक रोटो जगह है वहाँ की, वहाँ पर जो उनका एक रूम है, हॉल है, उसमें उस हॉल में मजबूती देने के लिए वहाँ के टीचर्स ने लोकली एक बल्ली लगा के उसको सपोर्ट दिया है। तो तत्काल ये जैसी बात हम लोगों ने संज्ञान में आई थी, हमने इमीडिएटली इंजीनियर्स की टीम को भेजा है जो आज पहुँच रही है, और पहुँच के यदि वो भवन ऐसा होगा जो बच्चों को बैठने लायक नहीं है तो हम लोग इमीडिएटली नए भवन के लिए काम करेंगे, और यदि उसमें भवन में कोई और सपोर्ट देके, प्रोफेशनल जो सपोर्ट देता है सीमेंट कंक्रीट का या अन्य सपोर्ट देके वो रहेगा तो वो भी हम लोग करवा देंगे। ये निश्चित रूप से हमारी चिंता का विषय है, क्योंकि वहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और हम लोग जो है इसको एक दो दिन में ठीक करवा देंगे। सर ना ही तो वहाँ रोड है, ना ही तो किसी तरीके से सरकार जो है आज तक वहाँ पर पहुँचाएगा, बच्चे जो हैं पगडंडी पर चलने के लिए नहीं जा रहा है। देखिए हम लोगों की प्राथमिकता ये है कि हमारे जो प्रत्येक स्कूल है वो सीसी रोड के माध्यम से ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम के मुख्यालय से उसको कवर होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से हम पूरी टीम के साथ उसको चेक करवा लेंगे और सीसी रोड के माध्यम से स्कूल को जो है गांव से जोड़ा जाएगा। कई स्कूल गांव से ज़्यादा बाहर है तो हम लोग एक बार दूसरी तरह की रोड बनवा देंगे मुरंग, उसके बाद में उसके ऊपर डामरीगढ़ में काम भी हम लोग करेंगे।